हजारीबाग क्या पूरे झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस, पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, उसी क्रम में पूरे झारखंड में जो है जोर शोर से मनाया जा रहा है। हजारीबाग में भी इसका माहौल है। हजारीबाग में कैसे मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस और क्या होता है, कहां से शुरू हुआ ये विश्व आदिवासी दिवस? हजारीबाग में सबसे पहले हम आपको जोहार करते हैं और आदिवासी छात्र संघ का जिला अध्यक्ष अजय टोप्पो, आपके चैनल के माध्यम से मैं आदिवासी दिवस के बारे में कुछ हजारीबाग में 1994 से मनाते आ रहे हैं। 1994 से थोड़ा आवाज आ रहा, थोड़ा आगे चलो आ रहा है। हजारीबाग में आदिवासी दिवस हम 1994 से आज तक मनाते आ रहे हैं। भव्य रूप तो नहीं था लेकिन कुछ ही 1994 में दो चार आदमी मिलकर बनाया, उसके बाद धीरे 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 बृहद रूप धारण किया और आज देख रहे हैं आदिवासी एकजुट होकर पूरा भव्य रूप से आज मना रहा है आदिवासी। क्या अभी क्या है आदिवासियों का हक की जो लड़ाई चल रही है लगातार, उसमें कितना सफलता मिली है आप लोगों को? आदिवासी का जो हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रही है उसमें अभी 50% तो मिला है लेकिन आधा मिला है, आधा अभी तो लड़ाई बाकी है। और हमारे आदिवासी लोग आप जाग चुके हैं, अपना अधिकार जान चुके हैं और इसको लेने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं और 3200 प्रकार का आदिवासी इस मंच पे अभी आए हुए हैं। और कौन कौन है 32 प्रकार में जितने झारखंड में? कुछ ही अभी संताल है, मुंडा है, ओ है, खड़िया है, फिर आपका बेदिया है, ये तमाम, उसके अलावा और भी आदि लोग आके इसमें अभी सम्मिलित होकर विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसमें क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें है कि हमारे दिखाया जाके स्टेज पे क्या माहौल चल रहा है, हमारे संस्कृति को मैंने रूढ़िवादी प्रथा के द्वारा हमारे पूर्वज लोग का जो देन है आदिवासी दिवस को मनाने का, उसमें संस्कृति नाच गान, रामदयाल मुंडा ने कहा था ये नाची से बाची, इसके तत्वाधान में हम अपने आदिवासी का विरासत को बचाने के लिए फिर से हम अपने स्टेज के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं युवा लोग को कि हमारे पूर्वज लोग जो आदिवासी भाषा संस्कृति को बना के रखा है उसको बरकरार रखे, इसके लिए सांस्कृतिक माध्यम से हम दिखा रहे हैं इसमें। ये जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ये सरना स्थल कहा जाता है? हाँ, ये सरना स्थल मैदान है और इसमें सरूल हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। कोई भी प्रोग्राम आदिवासी का है इस मैदान में मनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सरकार की ओर से कि इसको हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इसका घेराबंदी हो, हमारे सरना स्थल का संरक्षण हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। ये हमारे सरना समिति के ओर से सरकार या प्रशासन को खेद है, हम पर उस पर दुख है। मतलब आप चाहते हैं कि पूरा घेर के अच्छा से मना? हाँ, चाहते हैं। देखिए एक से एक प्रोग्राम हो रहा है आदिवासी दिवस में, जो है यहाँ पे झारखंड की जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश स्टेज में लगातार की जाती है और जो चल रहा है। हजारीबाग के सेंट स्टीफेंस जो स्कूल है उसके सामने बस स्टैंड धरना स्थल है, वहीं पे आदिवासी दिवस जो है लगातार चल रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस में यहाँ पे शानदार कार्यक्रम चल रहा है। पूरे रांची में जो है बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हजारीबाग में आप देख सकते हैं क्या है माहौल यहाँ पे। तो यही था आज सरना
जो स्थल है हजारीबाग में सेंट स्टीफन स्कूल के सामने बस स्टैंड के पास, वहीं पे विश्व आदिवासी दिवस का भव्य कार्यक्रम चल रहा है।